आज हम बनाने वाले हैं सूजी की कचौड़ी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सूजी की कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका आलू मसाला बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे आलू ले लिए हैं, उबले आलू हैं ये। इसके अंदर मैं सब्जी मसाला, गरम मसाला, टर्मरिक पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट और ग्रीन चिली इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो इसके अंदर प्याज भी डाल सकते हैं। सॉल्ट एज पर टेस्ट रहेगा। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब चलिए आटा गूंथ लेते हैं। आटा गूंथने के लिए हमने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दिया है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, साथ ही में हाफ टी स्पून राई गया है, 3 टीस्पून ऑफ ऑयल ही है ये। और बस इसके अंदर हम लोग 2 कप पानी डाल देंगे और जब ये पानी उबल जाए तो इसी सेम कप से हम लोग 1 कप सूजी डाल देंगे। तो 1 कप सूजी के लिए आपको 2 कप पानी डालना होगा और बस इसे मीडियम फ्लेम पे तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि ये आटे जैसा ना हो जाए। सूजी तुरंत पानी पी लेती है और ये बिल्कुल आटे जैसी हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे। और बस फ्लेम को ऑफ करके हम इसे ठंडा होने देंगे। सॉल्ट हल्का सा ऐड कर दें ताकि हमारा आटा एकदम फीका ना रहे। और बस हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा के हमें इसे अच्छे से गूंथ लेना है। इसे बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, इतना ठंडा करना है कि हम इसे हाथ से टच कर सकें। अगर ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो फिर आप इसमें इसकी अच्छे से कचौड़ी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आप इसमें स्टफिंग अच्छे से फिल नहीं कर पाएंगे। और अगर ये आपका आटा एकदम ठंडा हो जाता है तो आप हल्का सा गर्म पानी लेके इसे अच्छे से गूंथ सकते हैं। अब इसके हम छोटे छोटे बॉल बना लेंगे हाथ पे हल्का सा ऑयल लगा के, और फिर रोलिंग पिन के बिना यानी कि बेलन के बिना हम इसे अच्छे से हाथ से ही फ्लैट कर लेंगे। किनारे किनारे हमें इसे एकदम पतला कर लेना है, बीच में हल्का मोटा रखना है। और उसके बाद इसके अंदर हमें अपने आलू मसाले की स्टफिंग भर देना है, उसे पैक करना है, हल्का हाथ लगा के इसे शेप दे देना है। सिमिलरली मैं दूसरा भी बना लूँगी। तो जैसे हम लोग नॉर्मल आटा गूंथते हैं पानी से, वैसे ही ये सूजी का आटा नहीं गूंथा जाता, इसे हीट करके गूंथना पड़ता है जैसा कि मैंने दिखाया। बस बीच में हल्का मोटा, किनारे से पतला स्टफिंग गया, इसको पैक किया, हल्का सा शेप दिया हाथ लगा के, एंड दैट्स इट। सिमिलरली मैं सारे बना लूँगी। अब चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। हमें मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करना है। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं। तो ये देखिए ये रेडी हैं। बहुत ही क्रिस्पी होते हैं, बहुत ही क्रंची होते हैं और बहुत ही झटपट से बन जाते हैं। बेस्ट पार्ट ये होता है कि ये सूजी के होते हैं, मैदे के नहीं। ये देखिए आवाज़ आप सुन रहे होंगे। और ये हमारे सूजी की कचौड़ी तैयार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल देन बाय, एंजॉय।